हेलो फ्रेंड्स, आफ्टर लॉकडाउन काफ़ी टाइम बाद बाइक चलाने के लिए मिल रही है, पर ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्ज़ी से निकला हूँ। सिचुएशन डिमांड ही ऐसी थी कि जो मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा। घर से बाहर क्या, देहरादून में रह रहा था अब तक ठीक था, तो अब मुझे रूम छोड़ना पड़ा यहाँ से, तो ऋषिकेश जा रहा हूँ मैं अपना सामान लेके, बस और कुछ नहीं। उसके बाद क्वारंटाइन तो होना ही पड़ेगा यार 14 दिन के लिए। और वैसे भी लॉकडाउन लगभग ये नाम के लिए ही हो चुका है, सब कुछ धीरे धीरे खुल ही रहा है, पटरी पे उतर रही है धीरे धीरे ज़िंदगी। देखते हैं जब तक ख़त्म हो जाएगा तो सही रहेगा यार, जितनी जल्दी ख़त्म हो तो उतना अच्छा है, फिर भी असर तो रहेगा कुछ टाइम तक। वैसे 2020 काफ़ी मतलब रिस्की बोल लो या कैसे बोल लो कि साल रहा है। ये वैसे भी ये रूम खाली हुआ, सडनली हुआ, अचानक ही हुआ, तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैं मतलब वैसे भी मैं ऐसे ही चीज़ें मतलब ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई सडनली चीज़ हो, अचानक से हो, कोई भी प्लान या कोई भी ट्रिप होता है या नाउट आई नाइट आउट जितने भी करे मैंने, या फिर वो ओली का ट्रिप या चौपता का ट्रिप, जो भी ट्रिप करा वो सब सडनली था, या फिर तो मुझे एक दिन पहले पता चला या एट अ पॉइंट सेम जगह पर मुझे पता चला कि मतलब जाना है या ये ट्रिप करनी है। जैसे चौपता या ओली वाली ट्रिप की बात करें तो सुबह 9 या 8-9 बजे के आसपास मुझे पता चला कि भाई जा रहा है वहाँ, तो मैंने क्या करना है, पूछा, डिस्कशन करा थोड़ा बहुत, फिर मतलब ऐसा था कि करें क्या ना करें, तो बस उठाई बाइक चल दिए, कुछ नहीं कि हाँ चलो बस पैसे कलेक्ट करें थोड़े से, बस पहुँच गए वहाँ, सीधा घूमे फिरे मस्ती करी बस। वैसे नाइट आउट का 4 दोस्त बैठते थे, फुल स्क्वाड जैसे बैठता था, तो उसके बाद हम लोग बैठने के बाद बस क्या करें भाई लोगों, चलो चलते हैं यार नाइट आउट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिन का टाइम है धूप का, लगभग 12 बजने को हैं एंड मैं बाइक चला रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लग रही धूप, लगती है यार, अपन को भी लगती है धूप, पर क्या करें, बाइक चलाने का कीड़ा ही ऐसा है ना कि बस क्या करें, चलानी है, चलाने का मन कर रहा है चलेंगे। वैसे इस बार ना पुलिस वालों की अच्छी खासी परेड लग रही है, पर यार उनके काम को सैल्यूट है, मतलब कितना डेडिकेटेड होकर काम कर रहे हैं यार, ऐसा नहीं कि मतलब काफ़ी परेशानियाँ लेनी पड़ती है यार। हम सोचते थे कि पुलिस वाले बिल्कुल काम नहीं करते, पर फिर भी जब इंडियन आर्मी का ब्रिगेडियर पुलिस वालों के और होम गार्ड ये जो सब हैं सुरक्षाकर्मी वाले सबकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो हम आम लोग होते हुए क्यों नहीं कर सकते यार, है ना, मतलब बल्कि लगा लो यार ब्रिगेडियर, मतलब एक जो ब्रिगेड को कमांड करता है यार, बताओ। फिर भी बहुत अच्छा लगा जब वो वीडियो वायरल हो रहा था, धीरे धीरे मैंने भी देखा था, पर मज़ा आ गया यार देखते साथ, वाह। तो ये 7 मोड़ पे पहुंच गए हम, डेंजर तो रहता है यार। जिंदगी का मज़ा डेंजर लेने में ही है यार। सही बात है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ गाइस, कोई भी मुझे सजेशन देना हो या कोई भी इम्प्रूवमेंट लगे आपको कि वीडियो में होना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। थ्री व्हीलर का यहाँ पे मतलब काफ़ी डेंजर हो जाता है, थ्री व्हीलर में तो पलटने का बहुत काफ़ी अच्छा खासा डर रहता है, बट फिर भी लो स्पीड स्लो रहेगी तो कोई टेंशन ही नहीं है यार। तो ऋषिकेश पहुँचने वाला हूँ मैं, ये वो थोड़ा सा जंगल वाला रास्ता आ गया है जहाँ पे 7 मोड़ आते थे, जो एक टाइम पर काफ़ी डेंजरस 7 टर्न्स माने जाते थे, क्योंकि यहाँ पे एक के बाद एक ना बहुत शार्प टर्न थे, तो इस चक्कर में यहाँ पे काफ़ी डेंजरस काफ़ी एक्सीडेंट हुआ करते थे। तो वैसे अभी नहीं होते हैं, कम होते हैं, पर अब ऐसा है कि रोड स्मूथ हो चुकी है और काफ़ी मतलब थोड़ा सा चौड़ी भी हो चुकी है, तो इतना डेंजर नहीं रहता है।
पर हाँ, क्योंकि अब आने वाले हैं आपके सामने सात मोड़ जो काफ़ी अच्छे खासे हैं यार, काफ़ी अच्छे खासे इन द सेंस आप खुद ही देख लेना कितने अच्छे खासे हैं। स्कूटी वाले भाई साहब जा रहे हैं अपने अपने घर, क्योंकि मैं भी अपने अपने घर ही जा रहा हूँ। और यहाँ पे मज़ा तो आता है, तो हल्की हल्की सी बारिश हो ना, मतलब धुंध का टाइम हो, बरसात का टाइम हो, तो यहाँ पे हल्की हल्की सी फॉग रहती है ना, तो बहुत प्यारा रहता है यार, बहुत प्यारा। है ना, काफ़ी प्यारा, काफ़ी कूल कूल है यार एकदम से। बहुत कूल लगता है मेरे को ऐसे। और टर्न से तो मज़ा ही आ जाता है यार, सात मोड़ काफ़ी अच्छे खासे यार, काफ़ी अच्छा लगता है यार ट्रैवल करना। अब देखते हैं यार, कॉलेज तो ख़त्म होते होते रह ही गया समझो, फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते होते अटक गए बीच में, अभी भी स्टूडेंट ही कहला रहे हैं, वरना इस मंथ तक तो हम अपने एग्ज़ाम कंप्लीट कर चुके होते और कहीं बाहर काम कर रहे होते। तो ये है वो जंगल जो रात में काफ़ी अच्छा रहता है, और इस रोड पे भी मैंने काफ़ी बार राइड करी है, राइड करी है रात को।